आज हम बनाएंगे सीम भापा। ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बहुत ही जल्दी बन जाता है, लेकिन बहुत टेस्टी है। इसके लिए हमने 250 ग्राम सीम ले लिए और उसको ये जो रेशा है दोनों साइड का रेशा निकाल लिए हैं। अब सबसे पहले हम एक पेस्ट बनाएंगे। किसका पेस्ट? उसके लिए हम ले लेंगे एक टेबल स्पून काला सरसों या मस्टर्ड सीड, एक टेबल स्पून काला सरसों या मस्टर्ड सीड। साथ में लेंगे 2 टेबल स्पून पॉपी सीड या खसखस, या बंगाली में से कहते हैं पोस्तो। तो 2 टेबल स्पून पोस्तो, 1 टेबल स्पून सरसों। जितना हमने सरसों लेंगे उसका डबल हम पोस्तो लेंगे। इसे एक बार हम ड्राई घुमा लेंगे, उसके बाद इस पे पानी देके घुमाएंगे। देखिए, इसे हम ड्राई घुमा लिए। अब इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून दही, 2 टेबलस्पून दही, और डालेंगे 1 हरी मिर्च, 1 हरी मिर्च डाल दिया। इसे हम फिर से पेस्ट कर लेंगे। ये हमारा मसाला का पेस्ट बन गया है। अब हम कुकिंग की तरफ चलते हैं। अब हम गैस पे कढ़ाई चढ़ा दिए, उसमें हमने 1 टीस्पून ऑयल ली, 1 टीस्पून ऑयल लिए। उसमें हम ये जो सीम है डाल देंगे, साथ ही साथ डालेंगे 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, और डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी। अब इसे हम मीडियम हीट में 5 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे, मीडियम हीट पे 5 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। हमने 5 मिनट इसे फ्राई कर लिए। अब इसे हम उठा लेंगे। अब इसी कढ़ाई में हम थोड़ा पानी गर्म करने के लिए रख देंगे। अब ये सीम को ये मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा सॉल्ट देंगे। एक बार सॉल्ट हम इसे फ्राई करने समय दिया है, उसी हिसाब से आप सॉल्ट दीजिएगा। और देंगे थोड़ा सा हल्दी, ये आप नहीं भी दे सकते हैं। और 1 हरी मिर्च, मैंने इसको स्लिट करके डाल रही हूँ। आप ज्यादा तीखा पसंद करते हैं तो 2-3 भी डाल सकते हैं। और साथ ही साथ डाल रहे 1 टेबल स्पून सरसों का तेल, कच्चा सरसों का तेल 1 टेबल स्पून। आप इसे करेंगे अच्छे से मिक्स। ये हमने अच्छे से मिक्स कर लिए और वो मिक्सी धो के थोड़ा सा पानी भी मैंने इसे दिया है और ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसे हम ढक देंगे। आप जाते हैं जो बॉईल करने के लिए रखे थे पानी वहां पे। देखिए, पानी हमारा बॉईल हो चुका है। इसमें हम ये हमारा लंच बॉक्स, इसको बिठा देंगे और इसे ढक के 10 मिनट के लिए इसे कुक करेंगे। और ये लो टू मीडियम हीट में ये कुक होगा। 10-12 मिनट हो गया है। अब हम गैस ऑफ कर रहे हैं और इसको हम ढक के ऐसे और 5 मिनट रख दे रहे हैं। अब हम इसे खोलेंगे। देखिए, हमारा सीम भापा बिल्कुल रेडी हो गया है। ये बहुत ही टेस्टी खाने में है और बहुत जल्दी बन जाता है। तो घर पे जरूर बनाइए, गरम गरम राइस के साथ बहुत ही अच्छा लगता है ये सीम भापा। हमारा सीम भापा बिल्कुल रेडी टू सर्व है।